बूढ़ा मारा है उसने, ये पीली सारा भी मार गई उसे ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाइट वाली डग और उसकी हालत जो सी है। सारी हमारी जो सी कोको फीमेल डॉग है ना, उसने रात को खोल देते हैं और सुबह टाइम जो है ना, जब मेरे चूजे वगैरह निकाल दिए थे उसे बंद नहीं किया किसी ने भी, और उसने जो सा ना रात को भी एक चूज़ा रह गया बाहर और उसने वो भी मार दिया। मैं न्यू तितरियाँ भी लेके आया था, उसने वो भी मार दी हैं, एक मार दिया, दो रह गया, वो भी मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगा। और अभी जो उनसे मैं जो उनसी वाइट वाली हमारी डॉग थी ना, उसे घर लेके आया हूँ। हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके वो उसे लगाया उसके जख्मों पे, है एक्टिव है। और एक मज़े की बात जो उनसे है, यहाँ से मैं अपने घर से ना काफ़ी देर हो गई उन्हें मैं हवेली ले गया हूँ, और अंडे वगैरह उन्होंने वहाँ ही जाके देना शुरू किए थे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ना इस जगह पर छोड़ूंगा, यहाँ मैंने ना दवाई वगैरह उसे लगाई है और वो खुद ही जोन से ना अंदर गई है। उसे पता है कि ये वाला मेरा घर था पुराना। और अभी मैं आपको उसे पकड़ता हूँ और उसके जख्म वगैरह दिखाता हूँ। बैठी हुई है चूचू के साथ और चूचू भी जोन से ना सर्दियाँ आ रही हैं, उसने भी फर वगैरह अपनी सारी निकाल ली है और काफ़ी ज़्यादा ना ज़्यादा जोन से ना इसे बुरा मारा है उसने। ये देखें ये गर्दन के ऊपर ये सारा, ये भी यहाँ करके काफ़ी ज़्यादा जख्म है, ये पीछे से भी सारा पाड़ के नीचे भी है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारा, ना ना ना, ये देखिए ये सारा किया हुआ है उसने जख्म, ये जख्म कर दिया है, ये सारे ये जख्म ही जख्म कर दिए हुए हैं ना। मैं मज़े की बात बताता हूँ, ये देखें ये मैंने इसे छोड़ा, ये देखिएगा अभी सीधा जो उनसे ना सीधा ये जा रही है, सीधा अंदर जाएगी, सीढ़ियां भी उतरेगी, ये नहीं कि नया जानवर होता है ना नहीं जाता खुद ही, देख ले अब खड़ी हो गई है। चलो अंदर एक दफा चलेगी ये ना, शायद उसकी वजह से अभी जाती है। ये देखें खुद ही जा रही है अंदर सारा, इसे मैं इस वजह से घर लेके आया, इसकी एक जो है टेक केयर अच्छी हो जाएगी, दवाई वगैरह डेली लग जाएगी और यहाँ दाना वगैरह भी सारा मिल जाएगा टाइम से। ये जो है ना सरसों का तेल और हल्दी मिक्स करके ब्रश के साथ लगा दी है, बाकी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जो है जल्द से जल्द ये ठीक हो जाएगी। और सारा बखेरा कर दिया हुआ उधर भी और इधर भी, उसे दाना डाला हुआ अभी जो उनसे यही वाला दाना रखते हैं, अगर खा लेगी तो बेस्ट है, नहीं तो नीचे से ले आएंगे। नहीं खा लो, ये लो खा लो खा लो खाओ खा लो ना। मिक्स है आराम से खाएगी, ये लो खाओ खा लो। ना भाई पानी पिए जी, पानी ला के देते हैं, ये आ गया पानी पी लो, पानी पी लिया। पिलो 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 बस इतना ही भाई, दाना इधर पड़ा है, पानी इधर पड़ा है और हमारी जो उनकी वाइट वाइट डाक क्या वो इधर है। और इसके लिए ना जो उनसे मैं इसके लिए जो उनसे ना वो ले आया हूँ मैं टोकरी, ये वाली जिसके अंदर हमने हमारी पैंटम जो उनसे मुर्गी ने चूजे वगैरह निकाले थे ना, ये तब की वैसी पड़ी हुई है। और मैं इसके लिए ले आया हूँ कि रात को ना इसे और चूचू को इसके नीचे बंद करके और ऊपर ना कंबल वगैरह दे देंगे, वैसे तो ग्रिल वगैरह बंद है, और ये वाला बस छोड़ा हुआ है खुला, ये भी जल्द बंद कर देना है। बाकी जो उनसे आज आपको मैं अपने
जो उनसे मैंने हैंड फीड के लिए बेबीज लिए थे वो भी दिखाऊंगा, और उससे पहले जो उनसे ना अभी जाते हैं और जाके जो उनसे मैं आपको कोको से मिलाता हूँ जिसने ये कारनामा किया, और जो उनसा मेल था उसे इस वजह से नहीं लिखा है, इसके ना आगे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म है और ज़ख्म उसके ख़राब हो जाने थे, उसने आगे तंग करना था इसे और उधर ही मैं छोड़ा है। और माशाल्लाह जो उनसे एक दो नई चीज़ भी आई है, उसमें से एक कोको ने मार भी दी है। हमें ये लग रहा था कि जो उनसे ना नेवला मार रहा है, इन्हें नेवला या गो कहते हैं, एक गो होती है एक नेवला होता है, इन दोनों में से अब ये नहीं पता, गो थी शायद, उसने ना काफ़ी ज़्यादा चूज़े हमारे मार दिए थे, तितरियाँ हमारी मार दी थी, एक तितरी जो उनसे ये इसने ही कोको नहीं मारी थी, डॉग हमारी फीमेल जो उनसे है ना उसने, और जो उनसी चूज़े वगैरह थे वो भी शायद इसने ही मारे हुए हैं, हमें लगा कि आके ना वो मार रही है, और एक दो दफ़ा उसे देखा भी था हमने, मगर अब जो उनसा ना उसे बांध दिया और बांध के रखेंगे, रात को नहीं खोलना, उसे सुबह का खाना दे दिया था, अब शाम का जब देने जाऊँगा मैं फिर आपको दिखाऊँगा, और जो उनसे नए जानवर लेके आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी ये फूलों वाली पनीरियाँ लगाई थी हमने, उसके अलावा ये देखें एक ये फूल निकल आया, उस वाली पे नहीं अभी निकला, और अनार लगे हुए थे वो ना हमसायों के बच्चों ने सारे ख़राब कर दिए, उतार दिए हैं, और जो उनसे लगे थे ना नींबू भी वो भी सारे जो उनसे ना तोड़ के ले गए हैं, ये कोई अब एक नींबू नहीं रह गया, अब नए पत्ते निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द फल उठाएगा। उसके अलावा अभी फूल निकले थे, एक ये फूल निकला हुआ है, एक ये फूल निकल आया है, बाकी तो अब सूखा सूखा ही रहेगा क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं, सब्जियां पालक वगैरह लगानी है, ये एक गमला, एक ये क्यारी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक दो तीन चार है, चार में जो सा ना कोई सब्जी वगैरह लगानी है, पांचवी ये भी है, ये आपको चार नज़र आ रही हैं, दो पहले मेल हैं और ये अंदर वाली दो फीमेल हैं, एक जिस तरह ये वाइट वाला ना इसी तरह का एक फीमेल थी, वो हमारी कोको ने मार दिया है, और बाकी जो उनसे ये हमारे वो वाले सील माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और वो खरगोश के काम देखें हमारे, ये मैंने वाइट पेयर लिया था और ये रहते ही ऊपर है, अब यहाँ जो उनसे ना यहाँ खेलने आया क्या, घर है खाड़ है मिट्टी का नहीं, घर कुछ नया ही रहा, पता नहीं क्या घर है, और ये हमारी मछलियाँ सारी, अभी एक दो शायद वो देख पानी ही लें, ये वो देख ये जहाँ बुलबुलियाँ बन रही हैं ना सारे बबल्स, यहाँ मछलियाँ वगैरह सांस लेती हैं ना तो बबल वगैरह आते हैं, बाकी ये बस रह गए हमारे चूज़े, जिसमें से ये एक पीछे वाली ब्लैक बीमार है, बाकी सबको ना दवाई वगैरह चल रही है सबकी और काफ़ी ठीक हो गई हैं। अब कोको को जो था ना मैंने इसके अंदर बंद कर दिया कि बाहर ही ना आती है, बांधा हुआ है उसे, कोको बाहिरा, इसकी सही पटाई की है मैंने, और बड़ी शरीफ बन रही है ना, है नहीं शरीफ, इसने बड़ी ज़्यादा मुर्गियां भी हमारी मार दी हैं, ये देखें ये पाड़ साड़े, ये तितरी के पाड़ वगैरह पड़े हुए हैं ये, और ये देख ये रात को चूजा इसने मारा है, ये वो सारे पाड़ हैं, और ये एक बस बीमार है, बाकी कुछ ये रह गई हैं अब, बाकी इसने मार दी हुई हैं, और एक और नई चीज़ लेके आया था वो दिखाता हूँ, ये बड़ी बदतमीज है इसे अब इस तरह ही रहेगी, ये सामने वाइट कलर की, वाइट और ग्रे कलर की मग, और जो सी ये मैं इसलिए लेके आया हूँ कि पहले वाली मग ने ना क्रूक हो गई है, उसने पाड़ा में काट लिया था, यहाँ से भी इसकी फिर सेटिंग चेंज हो गई है, वो आ गया ये वाली साइड पे सारा केज वगैरह, सर्दियाँ आ गई है ना, और ये वाला वो वाला इसे अब खोल देते हैं, मेल पहले ना हमारी वाइट वाली फीमेल इधर थी ना, इस वजह से मैंने ना इसे बंद कर दिया था कि उसे तंग ना करे, ये दाना पानी भी पड़ा हुआ है, और ये हमारी वो फीमेल है क्रुक हो गई है, बाकी इनकी केज को कवर करके ये अंदर सारा जो वो मर गया हुआ है चूजा एक, ये बाकी सारा हमने अंदर जो उनसे ना नहीं भाई ये तो नहीं मुझे लग रहा अंडे वगैरह देगी, ये खड़ी नहीं होती मेल के पास भी मर गया देखिएगा, ओए ओए ओए
स्पीटें ना भाई, बड़ा तेज है ना, पढ़ काटने हैं। ये उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ चले जाती हैं, चेक करें कहाँ कहाँ चढ़ रही है। और ये भाई साहब जहाँ से लिया था वहाँ उड़ के चले जाते हैं, इसके पर भी काट दिए।